Good morning students, I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we are going to start part 1 of chapter 1, Evolution of Computers. Today's topics are early counting tools, Abacus, first calculating device, Pascaline adding machine, Leibniz step reckoner. Let's start. So our first topic is early counting tools. Since ancient times, people have invented tools for calculations. Ancient times में कुछ लोगों ने calculations को करने के लिए कुछ tools invent किए थे. Early man tied knots in a rope and carved marks on clay in order to keep records. और counting का record रखने के लिए early man rope के ऊपर tie कर देते थे knots को, then जो marks होते थे उन्हें carve कर देते थे clay के ऊपर, so that they can keep the records. They also used to count with the help of fingers, toes, pebbles, stones, etc. और भी बहुत सी चीज़ें थी जो वो यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए, जैसे कि फिंगर्स, टोज, पेबल्स, स्टोन्स एंड मैनी मोर थिंग्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ द अर्ली काउंटिंग टूल्स. आई हैव टेकन ओनली टू पिक्चर्स. फर्स्ट इज ऑफ फिंगर्स, यू कैन सी फिंगर्स पे काउंटिंग करना, एंड सेकेंड इज स्टोन्स. Okay, so these were the early counting tools. So our next topic is abacus, first calculating device. This was the first calculating device that was invented around 3000 years ago in China. 3000 साल पहले ये invent हुआ था China के अंदर, और ये first calculating device था. It is a wooden frame with beads on parallel wires which can do simple calculations like addition and subtraction. Abacus एक wooden का frame है जिसके अंदर beads हैं और parallel main wires हैं जो simple calculations करती हैं like addition and subtraction. लेकिन numbers को calculate करने की इसकी speed बहुत fast है. It is also used in schools. अभी schools भी में भी कुछ schools में use की जाती है for teaching aid of number system. Number system को समझाने के लिए as a teaching aid ये कुछ schools में भी use किया जाता है. I hope this is clear. Next we have the picture of the abacus. You can see abacus इस तरह का होता है, wooden frame होता है, wires होती हैं parallel में, then beads होती हैं. I hope this is clear. Next we talk about Pascaline adding machine. What was Pascaline adding machine? In 1642 के अंदर एक मैथमेटिशियन थे ब्लेसे पेस्कल, जिन्होंने कैलकुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया था, एंड दैट वाज पेस्किलाइन एडिंग मशीन. इस मशीन को कैसे यूज़ किया जाता था? इसके ऊपर व्हील्स होती थी जिन्हें यूज़ करके नंबर्स को डायल किया जाता था और मशीन के अंदर फीड किया जाता था. एंड दिस वॉज द फर्स्ट मकैनिकल कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया का पहला एक मकैनिकल कैलकुलेटर था, और ये मशीन सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ दिस मशीन. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड पेस्किलाइन. यहाँ पे आप व्हील्स देख सकते हैं, एंड इन व्हील्स में आप डायल कर सकते हैं नंबर्स को और इस मशीन के अंदर फीड कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं इन ब्लॉक्स में, तो आप ये व्हील से डायल कर सकते थे. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पर्सन हु इन्वेंटेड द पेस्किलाइन मशीन, एंड ही वॉज ब्लेसे पेस्कल. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लेसे पेस्कल. ही इन्वेंटेड दिस मशीन. एंड नेक्स्ट वी हैव लिबनीज स्टेप रेकोनर. दिस इज द अनदर मशीन. इन 1672 के अंदर एक मैथमेटिशियन थे गॉटफ्राइड विलहेल्म लिबनीज, जिन्होंने डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, दैट वाज कॉल्ड स्टेप रेकोनर. और ये फर्स्ट कैलकुलेटर था जो चारों अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ऑल फोर ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड यूजिंग दिस मशीन. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ दिस स्टेप रेकोनर. इस टाइप की मशीन थी और आप इससे कैलकुलेट कर सकते थे चारों ऑपरेशंस अरिथमेटिक के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आई होप टुडेज टॉपिक्स आर क्लियर. गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वंस अगेन, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स. थैंक यू. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.